Digiskills, which was initially supposed to launch on 21st, lekin government ne isko thoda aage kar diya. 27 is the new date, 27 of May. Inshallah, 27 May ko jo latest khabrein aa rahi hain, ab main koi apni date nahi dene laga, kyunki zara wo government ke level pe ye hamare level pe to hai nahi. Humne to date nahi batayi hui hai, launch kab ho raha hai ya kab in logon ne karna hai. गवर्नमेंट के हिसाब से जिस काम को पता लग रहा है, जिस काम की प्रायोरिटी, जिस काम के पास टाइम होगा. तो जनाब अब जो लेटेस्ट तारीख है, लेटेस्ट 27 मई व्हेन अज्यूमिंगली शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको इनॉग्रेट करेंगे. तो तमाम वो दोस्त जो मुझसे मेरी पोस्ट पर पूछ रहे थे या मुझसे इनबॉक्स पर पूछ रहे थे, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सर वालसाम, बड़ा वालसाम. तो तमाम वो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे अब लेटेस्ट तारीख पे तारीख कब आ रही है जनाब. 27 और इंशाल्लाह 27 हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन अब कब खुलेंगी 27 के बाद, 27 के बाद रजिस्ट्रेशन कब खुलेंगी ये देखना है. Seems like it is an inaugurate hoga, probably see them registrations nahi khule. Tamam wo dost jinhone interest fill out kiya hua Digiskills ka on digiskills.pk ki website pe, un tamam doston ko ye jo hai wo main assurance de sakta hu ki aapka email record ho chuka hai. As soon as the registrations are opened, send an email और email को आप इंशाल्लाह क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप आगे काम स्टार्ट कर देंगे, प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे. ये वो बात थी जो मुझे एक्चुअली पहले बता दी थी, बट मैं भी उनका बिजी यहाँ पे वर्किंग लाइक 10 आवर्स अ डे और रमजान भी स्टार्ट हो गया. तो ये वीडियो मेरी कॉल पर रहेगी, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कल तक कोई वीडियो ना लगाऊँ. बाय द वे वकास ये केपी के नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है. Digiskills पूरे पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है. ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, कोर्स कंटेंट तमाम उन दोस्तों के लिए जो वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सब चीज़ें ना चाहते हैं, वो फ्री में रजिस्टर होंगे और फ्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करेंगे. अब ये बात बिल्कुल वैसा भी नहीं सही है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्लासेस कितने दिन तक स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. अब इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ पूछूँ. कल हमारी एक इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद कब जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन ही है ऑफकोर्स. तो नहीं इदरीस, मैंने उन्हें कहा कि कोई भी इदरीस का भी बंदा है उसको इनरोल नहीं करना. वालेकुम सलाम फिरोज. हाँ आप किसके बारे में बता रहे हैं भाई? मैं बता रहा हूँ Digiskills.pk. कोई भी दोस्त देख लेगा, आई बी ग्रेटफुल. इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि इनिशियली 3 प्रोग्राम्स रोल आउट हो रहे हैं. फ्रीलांसिंग है, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है और एक जनाब ई कॉमर्स है. तीनों कोर्स जो हैं मैं आपको बताऊँ, एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट लोगों ने जो है वो तीनों कोर्सेज बनाए. बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक तो मेरे अच्छे दोस्त ने भी बनाया, डॉक्टर यासिर, जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग और बहुत प्यारे तरीके से कवर किया है. वो ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं खुद भी इन्वॉल्व करूँ. मैंने 2 प्रोग्राम्स तो सीखने हैं खुद भी, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो एक स्किल है, बट चलना होगा तो फिर क्या. चल ठीक है, तो मैं फिर लॉ करूँ. तुम मुझसे खुद तुम आगे सीख लो, तुम्हें क्या ऑनलाइन डिजिटल और ट्रेनिंग की जरूरत है. थैंक यू खुरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिंक दे दिया है जिसके साथ आपने लिंक दे दिया. सो ये Digiskills जो है जनाब उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना इंटरेस्ट शो नहीं
किया, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, खालिद वालेकुम सलाम, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए कि आप कौन सा प्रोग्राम इनरोल करना चाहते हैं, और उसके बाद जनाब जब रजिस्ट्रेशन खुलेंगे आपको ईमेल आएगी, उस ईमेल पर आप क्लिक करोगे, ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप पढ़ना शुरू कर दोगे। हफ्ते में 2 घंटे की क्लासेस हैं। ये वो कहानी है जो मैं हर हफ्ते आपको सुनाता हूँ, बट होता क्या है कि तारीख आगे चल सकती है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हजारों लोगों की अपनी मसूलियात होगी। सो इनिशियली जीए वक्त में 4 ओवर, इनिशियली 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो रोल आउट हो गए। 1 इज फ्रीलांसिंग जो मैंडेटरी है जो कि मैंने बनाया है, एंड देयर इज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन देयर इज ई-कॉमर्स। इनिशियली अभी 3 हो रहा है, फिर नेक्स्ट फेज में ये बाकी के प्रोग्राम्स जिनमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिनमें वर्डप्रेस है, इंजीनियरिंग है, कैड इंजीनियरिंग, देन देयर इज कंप्यूटर एजुकेशन, देन देयर इज वर्डप्रेस, देन देयर इज जो भी है वो आप लिंक पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा। सवेरा अभी किस नहीं रही, अब होगी ये सरप्राइज। और वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम चीजों की मजलियाँ, और छुट्टी बना रहा है ये बताना था मुझे। तमाम वो लोग जो अमेरिका में हैं, मैं माजत खा हूँ कि मैं चाहती हूँ अपनी फिल्म में मुझे याद आ गया कि आप लोगों को तो रात दिन का हो गया, हमारे यहाँ तो रात के 12 बजे हुए। भाई पैकेजेस क्या है, लाइक बिजनेस प्लान, कोई पैकेजेस नहीं है, फ्री है, सबके लिए फ्री है, सबको मैं अपने कमरे में हूँ, आगे हूँ जनाब, सबके लिए फ्री है, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन है, कोई क्लासेस किसी शहर में नहीं है, आपका जब दिल करे आप कंप्यूटर ऑन कीजिए, इंटरनेट लगाइए, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जरा थोड़ी सी वखरे टाइप की है, वखरा इन द सेंस के अच्छा अब नहीं पीऊंगा, सॉरी डॉक, मुझे याद नहीं रहा ना, मुझे अब याद आया कि यार तुम लोगों को दिन तो बन हमारे यहाँ तो पहले रात है, पढ़ाई के साथ साथ जैसे टिपिकल क्लासरूम में नहीं होता, असेसमेंट्स होती हैं, क्विजेज होते हैं, मार्किंग होती है, और क्या होता है, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि आप लोग को जज किया जाए कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मॉड्यूल्स हफ्ते में 2 घंटे की वीडियोस शो की जाएंगे, सो इट मींस कि आपको महीने में 8 घंटे का एक कोर्स में कंटेंट मिलेगा। अब भाई अगर आप 3 साइमल्टेनियसली चला रहे हो तो ये कितना हो गया, 24 घंटे का कोर्स कंटेंट 3 कोर्सेज का आप उठा रहे हो एक महीने में, दिस इज गुड इनफ फॉर यू। नाना कहते हुए भी 3-1 घंटे के अगर एक फिल्म हो तो 8 फिल्में आप जो महीने में देखते हैं वो अब आप यहाँ पे टाइम करोगे। स्टार्ट अब 27 मई को होगा, उसके बाद ऑफिशियली कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, बट एन मुमकिन है कि उसी दिन ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, एन मुमकिन है कि जनाब जी हाँ खालिद मुझे एहसास है आप लोग प्रीवियस में 5-6 घंटे और, तो ये जो भाई साहब लिखी जा रहे हैं मुदस्सर साहब, इनका भी एक थोड़ा सा पार्ट है टेस्टिमोनियल सेशन में, बहुत प्यारी स्टोरी है इनकी, वो स्टोरी भी आप लोग देखिएगा, शुरू में ही प्लॉट होगी कि मलिक मुदस्सर ने कैसे एक सिंगल पीसी से ऑल द वे एक माशाल्लाह 60+ पीपल की लोगों की जो है ना वो कंपनी खोली है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी कवर करवाई मैंने। मैं तो इनके सब लोगों को रिक्वेस्ट करता रहा कि जिनकी बात स्टोरी है वो जरूर आए, पर किसी ने कोई कैमरा शायद बहुत ज्यादा जनाब फ्री है
अच्छा तो वकी बात है पीरू ये ना कि फिर बाद में मेरा रोजा था सर बिल्कुल मुझे भी बड़ा पेश अभी से इंतजार है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई मूवी कितनी हिट होती है या कितनी फ्लॉप होती है क्या उसका अंजाम है कैसे रिएक्ट करते हैं और मैं तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ अच्छी और दोस्त नेक्स्ट लेवल ये है कि मैं इससे दरख्वास्त करूँ किसी तरीके से मैं वन टू वन सेशन वंस अ वीक या मे बी वंस इन कपल ऑफ वीक्स में कर लूँ जहाँ पे लोगों को जितने सवाल आते हैं उन सवाल आपके जवाब दें अगली डेस्ट फाइंड आउट कैसे इसको करते हैं जाहिर है बहुत बड़ा स्किल चाहिए लोग तो बहुत बताएंगे यू टॉक अबाउट 1 million freelancer 1 million तो बहुत ज़्यादा होता है ना अब उसमें फ्लक्स को कैसे डील करना है दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट एक तूने कहा था जॉब का था मेरा रोजा का चैनी इसलिए मैं हम सारे पाकिस्तानी इस वक्त फारिग कट रहे जनाब कोई सवाल तो बिल्कुल पूछिए नहीं तो मेरा मकसद सिर्फ आने का ये था कि 21 तारीख से तारीख आगे चली गई है 27 हाँ जी बिल्कुल जुबैर भाई 27 में चली गई अब तो जाहिर है हमारे हाथ में भी नहीं है तो सरकार के हाथ में है ना इंशाल्लाह ऐसा इंशाल्लाह दिस विल डेफिनेटली चेंज द फेस ऑफ आईटी लैंडस्केप इन पाकिस्तान दिस विल क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स दिस विल इंक्रीज द फॉरेन रेमिटेंस इन द कंट्री और इवेंचुअली अगर इन द लॉन्ग रन आप देखो ना जब आपके मुल्क में पैसा फॉरन आ रहा होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है बिकॉज जॉब्स क्रिएट होते हैं आपका जो गैप है बिटवीन डॉलर एंड अदर करेंसी विच इज फॉर रुपीज वो कम होगी और इंशाल्लाह इवेंचुअली मुल्क को एक फायदा होता है मुल्क पर मैंने जब ये प्रोग्राम इनरोल किया था सबसे पहली चीज जो मैंने देखी थी वो यही थी कि इसका लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होते हैं आई मीन आई फिगर्ड आउट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी What if it, you know, kickstarts? What if it fails? और मुझे failure नहीं नजर आया. I'll be honest about this. ये मुझे बिल्कुल failure नहीं नजर आया. मुझे सिर्फ यही चीज़ नजर आई कि अगर एक-एक बच्चा भी, एक-एक student भी, $1 भी कमा जाता है ना किसी भी तरीके से. You're talking about सीधा-सीधा $1 million, right? अगर 1 million बंदा enroll करता है और एक-एक बंदा एक-एक dollar कमाता है, जो ज़ाहिर है नहीं होगा $1 ज़्यादा होगा. हर एक का कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं चल पाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा चल पाएंगे तो जनाब कोशिश ये थी कि और इसी वजह से मैंने इसके लिए किया कि पाकिस्तान का फायदा कितना होता है इवेंचुअली आप देखेंगे अभी आप 4th number पे हैं एज अ टॉप फ्रीलांसर प्रोड्यूसिंग कंट्री हमसे ऊपर बांग्लादेश है हमसे ऊपर हिंदुस्तान है ये जो दो ममालिक है ना अमरीका सबसे ये जो दो ममालिक है ये तो मुझे लगता है कि यूं करके निकलेंगे जिस तरह ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो काम करना स्टार्ट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली इनिशिएटिव लेता नहीं है कोई भी बंदा ऑनलाइन हम यूट्यूब की वीडियो देखने हम ऑनलाइन मूवी देखने Everything is in one place. All you need to do is just sign up. There's no registration fees. You can take 4 programs simultaneously, you know, one after another. And after that, all you need to do is just learn. देखना है अपने notes बनाने हैं जो वो भाई बता रहा है या बहन बता रही है 9 program में से उसको लिख लो उसको practice करो और 24 घंटे में वो कम से कम इतना जरूर कर लेगा कि वो आपका हाथ पकड़ लेगा आप चलाने के लिए अब यहाँ से आके एक्सेल करना यहाँ से आके अपना रास्ता ढूंढना यहाँ से आके नेक्स्ट लेवल पे जाना ये तो सबकी अपनी अपनी एफर्ट है ना तो प्रॉफिट का बताएं प्रॉफिट क्या मतलब भाई दिस इज का प्रॉफिट हैव दे अपॉइंटेड ट्रेनर्स क्या बिल्कुल इन्होंने ट्रेनर्स अपॉइंट किए हैं आप इनकी साइट पे जाओ और वो कोचेज भी हैं ट्रेनर्स भी हैं more of our coaches will take care of the questions, will take care of day-to-day activities. So, कोशिश यही है कि जो
जो यूथ है स्पेशली वो आर स्टिल इन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज दे कैन गेट सेल्फ सफिशिएंट दे कैन यू नो गेट स्टार्टेड ऑन अ डिजिटल स्पेस हमारे क्रॉस द बॉर्डर मैं चूंकि बहुत ज़्यादा एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरा हूँ डीजी के लिए ऑफकोर्स मैंने ये देखा है कि वहाँ पे एक पांच में से एक बच्चा ऑनलाइन काम कर रहा होता है ये वो फिनोमेनन है जो आने वाले वक्त में हर बंदा कर रहा होगा पांच में से एक जॉब्स होती नहीं और इंडस्ट्री और एकेडमी का वैसे गैप इतना बड़ा है और जो जो भाई सवाल पूछ रहे हैं कब से स्टार्ट हो रही है अब कोई एक मेरा भाई मेरी मदद कर दे और वो लिखा जाए डेट साइट का लिंक और डेट लिखा जाए सफाई सारी है तो जनाब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये स्टैट्स पाकिस्तान का स्टैट्स थोड़ा थोड़ा अलार्मिंग है राइट तो इस प्रोग्राम की वजह से चूँकि कॉन्टेंट और तमाम कोर्सेज एक जगह पे होंगे उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपना टाइम सर्व करेंगे ऑनलाइन सीखने में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने में और दे विल गेट स्टार्टेड हम तो बेसिक चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है हर नीश हर डोमेन हर स्किल की मिसाल के तौर पे क्या ग्राफिक डिजाइनिंग क्या वेब डेवलपमेंट क्या क्रिएटिव ये बेसिक चीज़ें जो लोगों को कम से कम दे शुड गेट स्टार्टेड उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल जब आपकी वो चाबी चल पड़ी गाड़ी चल पड़ी फिर तो आप खुद अपने गुलास्ते ढूंढोगे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा है ए आर है ए आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड रियलिटी है ड्रॉप शिपिंग है स्काई इज़ द लिमिट यूट्यूब है उसमें जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बाय द वे आज मैं एक साहब को मिला हूँ और उनका इंटरव्यू उम्मीद है अगर वो सब कुछ सही रहा मैं नेक्स्ट वीक करूँगा यंग गाय 19 ईयर्स ओल्ड और यूट्यूब से गैजेट्स कंपैरिजन में वो बच्चा 4000 19 साल के पर देन दे हियर वी आर मैं अपने अपने समेत सबका नाम लूंगा जनाब हम प्रायोरिटीज गलत है ना सही एनर्जीज नहीं स्पेंड हो रही एक जगह पे वो होनी चाहिए सो दैट यू कैन सवेरा कह रही आरंभ दे रहे हैं चांसेस ऑफ फेसिंग फ्रॉड और फेक पीपल वाइल फ्रीलांसिंग वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल बड़ा डिटेल से हमने इस पूरे टॉपिक को इस पूरे इशू को कवर किया है और जाहिर है ये तो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं इट्स अ मिक्स बैग एम्प्लॉयर्स को भी तो स्कैम होता है एम्प्लॉयर्स भी रिप ऑफ होते हैं बाय फ्रीलांसर्स तो इट्स अ मिक्स बैग फ्रीलांसर्स भी रिप ऑफ होते हैं बाय एम्प्लॉयर्स कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए हैं जिनको अडैप्ट करने से यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग स्कैम्ड फ्रॉम बीइंग रिप्ड ऑफ तो वो आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा अच्छा जी ये नबील ये ग्रुप किसने बनाया भाई और ये ग्रुप कहाँ से बन गया क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप मेरी नॉलेज में नहीं है मेरे नॉलेज में अभी सिर्फ वेबसाइट ही है तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि फिलहाल सिर्फ वेबसाइट पे रहिएगा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो ग्रुप बनने हैं जो पेज बनना है वो गवर्नमेंट ही बनाएगी हम नहीं बना सकते तो यू नो वी शुड अवॉइड अवरसेल्फ्स फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल हियर तो जनाब 21 मई मैंने पहले बोला था अब 27 मई को लॉन्च होगा उसके बाद देखते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन ओपन होती है कि दिस इज व्हाट वी नीड टू सी ठीक है ना हाँ ये फेक हो गया बिल्कुल जी प्लीज इसको बल्कि अच्छा है आप अवॉइड पता नहीं कौन कौन ग्रुप रहा था पेज बना दें इसका जो भी करना है उजैर मैं इसीलिए क्योंकि YouTube की बात हो रही है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन साहब का इंटरव्यू कर लूँ सारा नौजवान का जो आप लोगों को इंस्पायर कर सके कि हाउ यू कैन क्रिएट योर यूट्यूब चैनल हाउ यू कैन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल और उसके बाद आप अपना काम आगे चला सकते अच्छा ये आपका भी प्रोग्राम है आपने डिजिटल लिखा होगा
शायद मैं समझ शायद उसका दैट बीइंग सेड आई लीव यू टू दैट अपना ख्याल रखिएगा इसे सताइए स्टार्ट हो जाएगा इसमें किसी की सक्सेस नहीं है इसमें पूरे पाकिस्तान की सक्सेस है किसी एक बंदे पे ये प्रोग्राम नहीं चलता ये पाकिस्तानियों पर जितने पाकिस्तानी इनरोल होंगे जितने पाकिस्तानी साइन अप होंगे जितने पाकिस्तानी सक्सेसफुली एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पर जाएंगे पाकिस्तानी लिविंग विद इन पाकिस्तान पाकिस्तान लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान तमाम वो लोग जो डिजिटल स्पेस में कुछ सीखना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम का मोड अडेप्ट करना चाहते हैं जॉब का दिस इज व्हाट डिजिस्किल्स इज ऑल अबाउट सो इट्स सक्सेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान स्टे ट्यून्ड बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जवाब सवाल जवाब करते हो मेरे इनबॉक्स का जितने मैं जवाब दे सकता हूँ मैं दे सकता हूँ आज भी किसी ने शिकायत की मेरी लेटेस्ट पोस्ट पर जहाँ आप जवाब नहीं देते मैं कैसे जवाब दूँ जिनमें सोचो मैसेज जिसका मेरे मुमकिन नहीं है कि मैं जवाब दूँ बट एवरी नाउ देन दिस इज व्हाई आई डू लाइव सेशंस और लाइव सेशंस में मकसद यही होता है कि सवाल आपके जवाब आते हैं इस सेशन को मैं आई वॉन्ट टू कीप टू डिजिस्किल्स ओनली एंड आई विल कम बैक अगेन होपफुली टू टॉक अबाउट अदर स्टोरी मुस्कुराते रहो क्योंकि इंडिया जैसा मुंह बनाने से दुनिया के मसाइल हल नहीं होते ख्याल रखिए